तो हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है तुषार और आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 11th लिविंग वर्ल्ड की ये वाली टेबल को याद करने की ट्रिक बताऊंगा। देखो बहुत सिंपल है ये ट्रिक, मैंने ट्रिक के बाद नीचे जो है लिखा हुआ भी है, तो इसकी मैं एक ये एक ही पेज है तो इसकी पीडीएफ दे दूंगा लिंक में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो ये टेबल बहुत बच्चे अलग अलग ट्रिक से याद करते हैं, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, है ना, और याद भी नहीं होती पेपर के टाइम पर, जैसे मतलब हाथ में पेपर देखते हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा क्या रहता है, दिमाग खराब होता है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये है वो टेबल। देखो सबसे पहले तुम्हें पता है क्या करना है इस टेबल में, सबसे पहले ना तुम्हें जैसे मैंने लिखा हुआ है ना सेम ऐसे ही लिखना है, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। तो पहले क्या करना है, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज ऐसे लिख दिया, लिखने के बाद ऐसे मैन हाउसफ्लाई मैंगो वीट लिख दिया। अब देखो इस टेबल को अभी छोड़ो, ये वाली समझाता हूँ मैं अपनी वाली। देखो मैन किंगडम, मैन का एनिमेलिया होता है यार सबको पता है, सबको पता है। फाइलम कॉर्डेटा होता है सबको पता है, क्लास मैमिलिया होता है सबको पता है, ऑर्डर फैमिली ये दो याद करने होते हैं बस सिर्फ और सिर्फ, बाकी ये तीनों चीज़ें तुम्हें पता होती है और जीनोस स्पीसीज यार किसे नहीं पता होती। मैन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सैपियंस, तो होमो क्या होता है जीनस होता है, सैपियंस क्या होता है स्पीसीज होता है। हाउस फ्लाई की साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो मस्का डोमेस्टिका, तो जीनस क्या हो गया मस्का डोमेस्टिका, क्या हो गई स्पीसीज हो गई। हाउस फ्लाई का किंगडम क्या हो गया एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, क्लास क्या है इंसेक्टा है। ऐसी मैंगो, मैंगो क्या है प्लांट है, फाइलम क्या है एंजियोस्पर्म है, मैंगो एंजियोस्पर्म है, और क्लास क्या है डायकॉट है। ऐसे ही वीट, वीट क्या है प्लांट है, और फाइलम क्या है एंजियोस्पर्म, क्लास क्या है मोनोकॉट। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है मैंजीफेरा इंडिका, तो जीनस क्या हो गया मैंजीफेरा, और स्पीसीज क्या हो गया इंडिका। वैसे तो मैंजीफेरा इंडिका स्पीसी स्पेसिफिक एपिथेट होता है, स्पीसीज क्या होती है स्पीसीज पूरा नाम होती है। वीट, वीट का जीनस क्या हो गया ट्रेटिकम, और स्पीसीज क्या हो गई एस्टिवम, ट्रेटिकम एस्टिवम। बस तो तुम्हें दो चीज़ें अब याद करनी है, क्या ऑर्डर और फैमिली। तो बस इसी के लिए ये वीडियो है पूरी यार, इसी के लिए ये वीडियो है पूरी यार। तो देखो हम मैन की बात करते हैं, तो देखो मैन का ऑर्डर क्या होता है, मैन का ऑर्डर याद करने की ट्रिक है प्राइमेटा, प्राइमेटा से याद रखना पिता माता, तो इंसानों में कौन होते हैं पिता माता, तो ऑर्डर से याद रखना ऑर्डर कौन देता है पिता माता, पिता पापा और मम्मी ऑर्डर देते हैं, तो प्राइमेटा ऐसे करके याद रखना है ठीक है। फैमिली कौन सी होती है, अब देखो जो जीनस है ना उसके आगे ही ईडी लगा दो, आई डी ए ई होमिनिडेई, तो जीनस होमो होता है फैमिली होमिनिडेई। देखो तुम्हें ऐसी दो जगह मिलेगा ठीक है। ऐसी अब दूसरी, दूसरा क्या है हाउसफ्लाई, हाउसफ्लाई का मैंने किंगडम बता दिया, फाइलम बता दिया, क्लास बता दिया। अब देखो ऑर्डर डाइपर, डाइपर से याद रखना है हाउसफ्लाई क्या पहनती है डाइपर पहनती है, तो ऑर्डर से डिप्टेरिया यार ये देखो मेरी ट्रिक है, तो इसे तुम जैसे चाहो वैसे याद करो, लेकिन मेरी ट्रिक से याद करोगे तो बहुत ईजी याद हो जाएगा। फैमिली मस्कीडेई, देखो मैंने बोला ना जीनस का जो है उसी में एडी लगा दो, तो मस्कीडेई ठीक है। ऐसी अब मैंगो और वीट, ये दो बस यही ये दो याद रखने की ट्रिक होती है, इसी में बच्चे फंसते हैं। तो इसकी मैंने किंगडम बता दिया, फाइलम क्लास, अब ऑर्डर और फैमिली। देखो देखो ऑर्डर, मैंगो में ऑर्डर से याद रखना है तुम्हें सांप से, मैंगो में सांप से तुम्हें याद रखना है, और फैमिली में अनार, मैंगो की फैमिली अनार ऐसे करके याद रखना है, मैंगो की फैमिली अनार। तो एक ट्रिक एक पकड़ लो दूसरा अपने आप याद कर लोगे। देखो ऑर्डर की फैमिली सॉरी मैंगो की फैमिली क्या होती है, मैंगो की फैमिली होती है अनार, और ऑर्डर क्या हो गया सेपनीडेल्स, तो सांप से याद रखना है सांप स्नेक से सेपनीडेल्स ठीक है, और जीनस और स्पीसीज तुम्हें याद है ही। वीट, अब देखो तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, जो ऑर्डर होता है ना ऑर्डर के लास्ट में लगता है एल्स, ऑर्डर के लास्ट में लगता है एल्स, याद रख लोगे ऑर्डर के लास्ट में लगता है एल्स, क्या लगता है एल्स, ऑर्डर के लास्ट में लगता है एल्स ठीक है, और फैमिली के लास्ट में लगता है ए सी ई ए ई, ए सी ई ए ई ठीक है। बस यही याद रखना है, पोएल्स ऑर्डर हो गया और पोएसी फैमिली हो गई, तो पोएल्स पोएल्स ओ से याद रखना है पोएल्स ऑर्डर और फैमिली पोएसी। ये देखो इसको मैंने याद रखा था कि पोएल्स जो होता है वो छोटा अक्षर है, ऑर्डर में भी छोटे अक्षर है, समझे समझे कैसे बोलना चाह रहा हूँ, ऑर्डर में भी छोटे अक्षर है तो पोएल्स, और फैमिली में थोड़े बड़े अक्षर है एफ ए एम आई एल वाई ज़्यादा लग रहा है तो फैमिली पोएसी, तो ऐसे करके याद रखना है, तो ये ट्रिक तुम्हारी पूरी इजीली याद हो जाएगी।
अब देखो, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।